मेरे स्कूल की किताब में एक चैप्टर था, एक ट्रैवलॉग टाइप, किसी महिला ने लिखा था। वो जापान गई थी, वहाँ जापानियों को देखकर उन्हें जापान से मोहब्बत हो गई। क्या तो उनकी तमीज़, क्या तहजीब, क्या शालीनता। घर ही नहीं, शहर भी साफ़ सुथरा रखना है, खुद से पहले दूसरों की सुविधा का ख्याल रखना है। आपका सामान कहीं गिर जाए या छूट जाए तो कोई चुराएगा नहीं, लोग आपकी मदद के लिए खुद तकलीफ उठा लेंगे। ये सब पढ़कर एकदम लगा जापान में ही गिर जाए जाकर। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे जापान पर एक बार फिर से प्यार आ रहा है। क्यों आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। ये प्यार आया फुटबॉल वाला फीफा वर्ल्ड कप देखते हुए। 2 जुलाई को जापान का बेल्जियम के साथ मैच था, लगा जापान जीत रहा है, मगर आखिर में आकर जापान हार गया। जापान के दर्शक बड़े दुखी हुए, कुछ रोते भी नजर आए, लेकिन ऐसे में भी उनका बड़ा दिल, उनकी तमीज़ देखिए। स्टेडियम से निकलने के लिए पहले उन्होंने वहाँ कूड़ा हटाया, चिप्स और स्नैक्स के खाली पैकेट, रैपर, बोतलें, सब कुछ। ऐसा नहीं कि कूड़ा उन्होंने फैलाया था, वो कलेक्टिव कूड़ा था। मैच देखने आए दर्शकों ने वो गंदगी मचाई थी। ये पहली बार नहीं है कि जापान के दर्शकों ने इस तरह की मिसाल दिखाई हो, वो हर बार ऐसा ही करते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो ऐसा ही करते दिखे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जापानियों को सफाई करता देख स्टेडियम में मौजूद और कई दर्शक सफाई में हाथ बटाते नजर आए। सफाई जापान की संस्कृति है। वहाँ स्कूल के बच्चों तक को सिखाया जाता है कि खाने के बाद अपनी थाली खुद धोनी है, अपना काम खुद करना है। ये देखकर यही मन में आता है कि क्या हम भारतवासी ऐसे हो सकते हैं? जवाब नहीं में ही आता है। बताइए, एक जापान वाले हैं और एक हमारे ईडन गार्डन्स वाले। ईडन गार्डन में क्रिकेट मैच हो रहा हो और गलती से भारत हारने लगे तो हुड़दंग देखने वाला होता है। दर्शक बेहूदगी पर उतर आते हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को गंदे इशारे करना, गाली देना, हूटिंग करना, ये सब करते हैं। फिर मैदान में बोतल और बाकी चीज़ें फेंक फेंक कर मैच रोक देते हैं, स्टेडियम की कुर्सियाँ तोड़ देते हैं। ऐसा कई बार किया है उन्होंने। जिन्हें ये मजाक लग रहा हो वो ये वाक्य सुन लें। 1969-70 में ईडन गार्डन्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। टेस्ट का 4th दिन था। स्टेडियम के बाहर करीब 25,000 लोग रात से ही लाइन लगाकर खड़े थे। सुबह टिकट काउंटर खुलने से पहले ही भगदड़ मचाने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। जवाब में भीड़ और उग्र हो गई। उस दिन वहां 6 लोग मारे गए, कई घायल हुए। ऐसे ही 1996 के वर्ल्ड कप में इसी ईडन गार्डन्स में भारत श्रीलंका का मैच था, सेमीफाइनल मुकाबला। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए, रनों का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआत में अच्छा खेला, लेकिन फिर सचिन आउट हो गए। कहां भारत के 22.3 ओवर में 1 विकेट पर 98 रन थे और कहां 120 रन पर 8 विकेट गिर गए। मैच भारत के हाथ से फिसल ही गया था। भीड़ उग्र हो गई। मैच रोकने के लिए दर्शकों ने मैदान के अंदर बोतलों की बरसात कर दी, कांच की बोतलें फेंकने लगे खिलाड़ियों पर। कई दर्शकों ने स्टेडियम की कुर्सियों में आग तक लगा दी। खेल रुक गया। पुलिस ने जैसे तैसे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर निकाला। बाद में मैच के रेफरी ने श्रीलंका को विजेता घोषित किया। दुनिया भर में भारत की खूब थूतू हुई। और ऐसा कई बार हुआ है हमारे यहाँ। बाकी सफाई पर तो क्या ही बात करें हम। हमें देखकर लगता है कि गंदगी में रहना और गंदगी फैलाना ही हमारी संस्कृति है। ऊपर से नीचे पूरा देश ही गंदा दिखेगा। लोग अपना कूड़ा तो साफ नहीं करते, किसी और का फेंका कूड़ा क्या ही बिनेंगे। अब जापान वाले किस्से पर फिर से लौटते हैं। फुटबॉल वाला जो किस्सा आपको सुनाया वैसा जापान के दर्शकों ने पहली बार नहीं किया है। फीफा वर्ल्ड कप में शुरुआत से ही, मतलब ग्रुप स्टेज के वक्त से ही जापानी दर्शक ऐसा कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद सफाई कर्मचारी स्टेडियम साफ करने में जुट जाते। जापान के दर्शक मैच के बाद वहाँ रुक कर उनकी मदद करते। तहजीब देखिए उनकी। अपने देश को तो साफ रखते ही हैं, पराए मुल्क यानी रूस में आकर भी उन्हें साफ सफाई का कितना ख्याल है, पूरा हाथ बटा रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। इसी साफ सफाई की संस्कृति को देखते हुए ही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को जापान के क्योटो शहर जैसा बनाने की बात कही होगी। मगर वो कितना हो पाया बनारस वाले जानते हैं, और जिन्हें शंका हो वो खुद जाकर देख सकते हैं। बाकी बनारस क्यों जाएंगे, अपने घर के बाहर वाली गली ही देख लीजिएगा, स्वच्छ भारत का अंदाजा हो जाएगा। पर उस गंदगी को देखकर सरकार को ना कोसने लगिएगा, ये भी सोचिएगा कि आपने कितना सहयोग किया साफ सफाई में। जरूरत पड़े तो जापान से थोड़ा मोटिवेशन ले लीजिएगा और कुछ करने की कोशिश करिएगा। साफ सफाई इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। तो ये था जापान की साफ सफाई और भारत की गंदगी वाला किस्सा। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए dillallantop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।